हाथरस में नड़वावत पुलिस अधीक्षक गौरव भंसपाल ने चाय लेते ही पत्रकारों के साथ पहली प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से रूबरू हुए नवागत कप्तान ने कहा कि सट्टे, शराब, नशा, कारोबार पर लगाम लगाना वे खत्म करने की बात कही। वहीं बुजुर्ग व महिलाओं को प्राथमिकता, सुरक्षा को बढ़ता श्रेणी में रखा जाएगा और कहा कि जिले में किसी को डरने की जरूरत नहीं। महिलाओं के लिए कहा कि महिलाएं रात्रि में अगर कहीं वाहन ना मिलने की परेशानी से स्थिति में वह डायल 112 पर कॉल करें, उन्हें घर तक सुरक्षित छोड़ा जाएगा। पुलिस सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, वहीं सभी जनता भी पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार करे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मुकेश यादव, ब्यूरो चीफ, हाथरस, हिंदुस्तान न्यूज 24। क्षेत्र में अपराध तरीके के अपराध जो प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इनको मुख्यतः इनमें बताया गया सट्टा, कुछ शराब की यहाँ पे तस्करी भी बताया है, इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जो ये सब्सटेंस अब्यूज है, इसमें हमें जो भी यहाँ पे मिलेगा उस पर NDPS की कार्रवाई सबसे सख्त की जाएगी। इन सबके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और हाथरस पुलिस जो है ये चाहेगी कि सब जितने भी हाथरस वासी हैं इन सबका सहयोग हमें मिले। कोई भी इनको यदि सूचना मिलती है, कहीं भी इनको यदि डर लगता है, कोई भी शासन द्वारा बहुत ही अच्छे यहाँ पे कदम उठाए गए हैं। जैसे किसी महिला को रात में अगर कहीं घर जाना है तो वो अपने डायल 100 पे, डायल 112 पे कॉल करे, वहाँ से उसको गाड़ी आएगी, उसको सहयोग करेगी और पिक करके वहाँ पे ड्रॉप करेगी। तो इस तरीके के हमारे सब प्रयास रहेंगे कि जनपद वासियों को जो है हम अपनी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दिन पर प्रदान कर सकते हैं।